नमस्ते दोस्तों, इस सवाल पर ध्यान देते हैं। इस सवाल में हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। किसी का मोल्स दिया हुआ है, किसी का मास दिया हुआ है। यहां पर आपको पूछा गया है कि इन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग टू गिवन मोल्स एंड देयर मास कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो हम लोगों को बेसिकली या तो मास ढूंढना है किसी का, या तो मोल्स मॉलिक्यूल्स का नंबर ढूंढना है। इससे पहले एक बात समझ लेते हैं हम लोग, वो क्या है। एवोगैड्रो द्वारा बताया गया है कि वन मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल और एटम हमेशा कितना मास वे करेगा, या तो अपना ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर वे करेगा, अगर एटम हुआ तो अपना ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर वे करेगा। ठीक है, और उसमें कितना मॉलिक्यूल्स या एटम्स होंगे, तो आंसर है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है, वैसे आयंस भी होता है, तो वन मॉलिक्यूल कितना मास होता है ग्राम मॉलिक्यूलर या ग्राम एटॉमिक वेट के बराबर होता है, और कितना एवोगैड्रो नंबर होता है इसका, ये कितने मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of 23। ठीक है, इस डेटा से हमारा ये सवाल शायद बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है, आपको बताना है 73 ग्राम HCl में कितना नंबर ऑफ उसका मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो 36.5 ग्राम HCl में, ये क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl है, तो इसमें कितना मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर, 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ठीक है, अब इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ HCl में आपका 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 36.5। ठीक है, एक्चुअली में कितना ग्राम में मॉलिक्यूल्स निकालना है, 73 ग्राम में हम लोगों को मॉलिक्यूल्स निकालना है, मतलब 73 होल डिवाइडेड बाय 36.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। 73 36.5 से 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 12.044 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। नाउ इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power of 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ठीक है, नेक्स्ट में सिमिलरली अब हम लोग इसके बाद तो समझ ही गए कैसे कैसे ऑपरेट करना है, तो नेक्स्ट में आपको निकालना है 0.5 मोल ऑफ O2 कितना होता है, मतलब उसमें उसका मास कितना होता है। तो हम लोग बोलेंगे 1 मोल O2 का मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है। ठीक है, तो उसके आधे मोल में कितना मास होगा, 16 ग्राम होगा, 16 ग्राम O2 का मास है। ठीक है, 0.5 मोल ऑफ O2 में मास कितना है, 16 ग्राम। सो उसके बाद पूछा गया है 1.8 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल है, तो हम लोग एवोगैड्रो से ही बोलेंगे 18 ग्राम जो कि उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसमें कितना मॉलिक्यूल होगा एवोगैड्रो नंबर का, 6.022 × 10 to the power of 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है,
इसका मतलब 1.8 ग्राम पानी में कितना मॉलिक्यूल्स होंगे, 1.8 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू 6.022 मल्टीप्लाइड बाय ये 1.8 चला गया, नीचे एक 10 बचा हुआ है, इसका मतलब यहां पर एक 10 कम हो जाएगा, तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में होता है। अब देख ही रहे सब कुछ इसी से समझ में आ जा रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि बताओ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल्स रखता है, ठीक है तो एवोगैड्रो से फिर से हम लोग बोलेंगे कि अगर सचमुच 100 ग्राम इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो उसमें कितने मोल्स होंगे, 1 मोल होगा, ठीक है। ये देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसी भी मॉलिक्यूल का कितना मोल रखता है, 1 मोल रखता है, तो 100 ग्राम यहां पर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है तो 1 मोल रखेगा, ठीक है। दिया हुआ कितना है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल रखेगा, आंसर है 10 बाय 100 इंटू 1 मोल विच इज इक्वल्स टू 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल रख रहा है, 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में पूछा गया है 0.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है आपको उसका मास बताना है, तो हम लोग बोलेंगे एवोगैड्रो से ही 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस है, ठीक है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस का कितना मॉलिक्यूल का, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास होता है 2 ग्राम, आपको कितना पूछा है 0.2 मोल का पूछा है, तो 0.2 मोल का मास हो जाएगा 0.24 ग्राम, 0.2 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास होगा 0.4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आखिर में बोला है बताओ 3.2 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितना मॉलिक्यूल्स है, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि 32 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है तो इसमें मॉलिक्यूल्स कितना होना चाहिए एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 23, इसका मतलब 3.2 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 3.2 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स, जो कि किससे बराबर होते हैं 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 22, 32 चले गए, नीचे एक 10 था, 10 की वजह से यहां पर 10 टू द पावर 23 में एक 10 घट जाएगा, इसलिए 10 टू द पावर ऑफ 22, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड के है 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में। थैंक यू।